बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा नेटवर्क टॉपोलॉजी। इससे हम पहले जानेंगे कि नेट टॉपोलॉजी है क्या, मतलब यानी कि जब हम एक नेटवर्क बना रहे हैं उसमें टॉपोलॉजी का एक बड़ा अहम किरदार होता है। यानी पहले हमें टॉपोलॉजी बनानी होती है, तो उसके बाद हमें उसी के हिसाब से हमें नेटवर्किंग करनी होती है। तो टॉपोलॉजी क्या है, तो टॉपो का जो वर्ड की जो मीन्स है ना, वो प्लेस है, यानी कि एक जगह को कहते हैं, यानी कि टॉपोस जो मेरी एक ग्रीक वर्ड है। तो उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपोलॉजी है क्या। इन कंप्यूटर नेटवर्क टॉपोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इंक्लूडिंग इट्स नोड्स। नोड्स में आपको पहले बता चाहूँगा क्या होते हैं। नोड हर वो डिवाइस जो कि आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, आपकी क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी। तो यहाँ पर हम पता चल रहा है कि हमें इन कंप्यूटर नेटवर्क टॉपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग इट्स नोड्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क में टॉपोलॉजी जो है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क किस तरह से हमें अरेंज करना है, जो आपको मैं आपकी इमेज पर दिखाऊँ। अभी आप देख सकते हैं याद रखिए कि नेट टॉपोलॉजी जो है हमारे पास जो है अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क है, इंक्लूड उसमें जितने भी नोड्स मौजूद होते हैं उसको किस तरह अरेंज करना होता है। ठीक है, रिंग फॉर्म में करना है, स्टार फॉर्म में करना है, बस टॉपोलॉजी बनानी है, मैश टॉपोलॉजी बनानी है। आगे आप इमेजेस आप मैं आपको दिखाते जाऊँगा, उसके बाद आपको कवर हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, फिर आपको मैं कि विजुअल आपका विजुलाइज हो जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट जो पहले टॉपोलॉजी है हमारे पास, बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी में हमारे पास यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास होती है ना बस टॉपोलॉजी। इन द बस टॉपोलॉजी अ बैकबोन या टनल वायर बाय विच ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, एक बैकबोन वायर होती है जिसे आप टनल भी कहते हैं। बैकबोन जैसे एक ही वायर होती है, ठीक है ना, जो बैकबोन वायर होती है मेन वायर होती है। अगर ये अगर इसमें से इसमें कुछ भी फॉल्ट क्रिएट होता है, फॉल्ट इसमें कुछ भी फॉल्ट इसमें कोई आएगा, तो पूरा अपना आपका पूरा होल नेटवर्क जो है गोज डाउन, पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए, यानी इसमें कोई केबल का कट नहीं होना चाहिए। इसमें से क्या होगा, फिर आपका पूरा नेटवर्क जो होगा बैठ जाएगा। तो इन इस टॉपोलॉजी में आपके पास जो बैकबोन टनल वायर जो है, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, यह आपके पास बहुत अहम है। ठीक है, तो इस बैकबोन वायर से आपके तमाम डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। लैपटॉप है आपका, अच्छा ये कनेक्ट जो होती हैं विद द हेल्प ऑफ टी कनेक्टर होती हैं। ठीक है ना, आप बीच में एक वायर जा रही है, बीच में तो डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना उसको, एक टी कनेक्टर लग जाता है। जब टी कनेक्टर शेप में लग जाता है, यानी कि अब टी होता है ना, उसकी ऊपर वाली जो हेड होती है वो वायर के साथ कनेक्ट हो जाती है, और उसकी जो टेल जो होती है नीचे टी की जो नीचे की डंडी जो होती है उसको कहते हैं टी कनेक्टर में, जो कहते हैं उसके थ्रू हमारी डिवाइस जो होती है कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और हर वो डिवाइस आपके पास, वो नोड है जो आपके नेटवर्क, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हर वो डिवाइस आपके पास नोड कहलाएगी जो आपके पास नेटवर्क पर कनेक्ट है। ठीक है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, टैबलेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी मीडियम से कनेक्ट हो, यानी कि वो वायर्ड के थ्रू कनेक्ट हो या वायरलेस कनेक्ट हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या कराएगी, नोड कहलाएगी। तो बस टॉपोलॉजी में बैकबोन टनल वायर जैसे वायर होती है, तमाम तरह डिवाइसेस क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। सर्वर भी लगा हो सकता है आपके किसी एंड पर, हो सकता है आपका सर्वर आपने लगाया हुआ। ठीक है, और ये तमाम तरह डिवाइसेस, सर्वर, पीसीस, लैपटॉप, जो भी वायर के थ्रू कनेक्ट है, वो विद द हेल्प ऑफ टी कनेक्टर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें सिग्नल जो पास होगा, तमाम तरह डिवाइसेस में जो सिग्नल पास होगा उसकी जो स्पीड होती है 1 to 50 Mbps होती है। ठीक है, अब जो लैन केबल आ रही है उनकी जो स्पीड आ रही है वो 100 Mbps आ रही है। ठीक है, तो अब ये वायर पर डिपेंड करता है, वायर को हम चैनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड जो है इसकी, हमारे जो डेटा ट्रांसफर रेट की जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफर रेट जिस स्पीड पर आपका डेटा क्या होता है फ्लो होता है, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कवर कराया कि डेटा ट्रांसफर रेट होता क्या है। डेटा ट्रांसफर रेट आपका वो टाइम होता है जिस स्पीड पर आपका डेटा फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो आपका ये डेटा रेट आपका क्या, डेटा ट्रांसफर रेट आपका 1 to 50 Mbps है, लेकिन अब जो केबल्स आ रही हैं उनका 1 to 100 Mbps होता है, लैन केबल जब भी आ रही हैं। अगर यहाँ कोई, मैं आपको शुरू में एक बात बताइए, अगर यहाँ कोई भी आपकी टनल वायर में या बैकबोन वायर में कोई भी आपका फॉल्ट
यहाँ पर क्रिएट फॉल्ट आ जाता है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो यहाँ पर आपका पूरा होल नेटवर्क आपका गोज डाउन, ठीक है, पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। तो इसमें फॉल्ट नहीं आना चाहिए कहीं भी बैकबोन के बिल में, इससे ये होता है कि आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, गोज डाउन हो जाएगा बस। तो बस टॉपोलॉजी तो बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत यूज़ होती थी। इसमें सबसे फ़ायदा यह है कि इसमें वायर कम की कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि एक लाइन में एक टनल वायर बिछा दिया जाता है, उसके थ्रू टी कनेक्टर कनेक्ट कर दिया जाता है, टी कनेक्टर के थ्रू हर डिवाइस हर नोड कनेक्ट कर दिया जाता है, हर एंड डिवाइस कनेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। पहले हमने पॉइंट क्या देखा इसका, पहले पॉइंट याद रखें कि बस टॉपोलॉजी में क्या होता है, पहले क्या होता है, एक बैकबोन वायर होती है, ठीक है, जिसके थ्रू तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, टी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो उसमें सिग्नल जो पास होता है 1 to 50 Mbps, लेकिन अब जो केबल्स आ रही है उसमें 1 to 100 Mbps की स्पीड होती है। और ये डिपेंड स्पीड जो डिपेंड करती है, ये करती है आपकी इस पर वायर पर कनेक्ट डिपेंड करती है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई फॉल्ट आता है, तो उसके उससे बैकबोन केबल में कोई फॉल्ट आता है तो उससे तमाम पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पर रिंग टॉपोलॉजी है। रिंग टॉपोलॉजी है बिल्कुल सिंपल है, ऑल डिवाइसेस रिंग टॉपोलॉजी है सिंपल एंड ऑल डिवाइसेस पीसी विद अ सिंगल वायर आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड MSAU, जो कि मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है, ड्यू टू विच डेटा ट्रैवल इन अ रिंग फॉर्म। अब इस रिंग टॉपोलॉजी में क्या होता है, यानी ये तमाम डिवाइसेस एक सिंगल वायर के थ्रू एक बीच में एक डिवाइस लगी होती है, जिसे हम कहते हैं MSAU डिवाइस। रिंग टॉपोलॉजी में एक सेंटर में डिवाइस लगी होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, MSAU डिवाइस, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, MSAU डिवाइस, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जिसकी वजह से डेटा क्या होता है, रिंग फॉर्म में हमारा फ्लो करता है, यानी ये क्लॉक वाइज चलता है, ये रिंग जो होता है क्लॉक वाइज चलेगा इस तरह से, ठीक है। दिस डिवाइस प्रोवाइड टोकन, और ये अच्छा, इसमें अगर एक वक्त में कोई डेटा शेयर कर रहा है, मिसाल के तौर पर ये लैपटॉप इस डेटा यहाँ पर इस पीसी को डेटा सेंड करना चाहता है, तो लेकिन जब उसकी बारी आएगी ना, ये टोकन प्रोवाइड करने का मतलब ही यही है कि इसको जब बारियाँ प्रोवाइड करेगा, बारियाँ लगाएगा इसकी, पहली इसकी बारी होगी, फिर 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 इस सिस्टम की बारी है, फिर इस सिस्टम की बारी है, फिर इस सिस्टम की बारी है, तो ये इसी तरह ये चलता रहेगा, ये बारियाँ ये टोकन प्रोवाइड करता रहेगा, ये सब क्या होगा, क्लॉक वाइज काम करेगा। तो अगर इसकी बारी है तो इस वक्त ये सॉरी अगर इस लैपटॉप की बारी है ना, तो ये इस लैपटॉप के ये लैपटॉप इससे बात कर सकता है या इससे बात कर सकता है, ये किसी भी नेटवर्क के किसी भी इसके जो मौजूद कनेक्टेड डिवाइसेज तमाम तरह डिवाइसेज से बात कर सकता है ये लैपटॉप, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी बारी है। फिर जब इसकी बारी आएगी ना, तो इनमें से कोई भी सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है, ये जिससे चाहेगा उससे करेगा, ठीक है। फिर जब इसकी बारी खत्म हो जाएगी तो इसकी बारी आ जाएगी, फिर इसकी बारी आ जाएगी, तो ये टोकन रिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, टोकन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो होती है इन रिंग फॉर्म में होती है, और एंटी क्लॉक वाइज सॉरी क्लॉक वाइज ये हमारा रिंग क्लॉक वाइज हमारा ये टोकन प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। जो बारियाँ लगेंगी तमाम तरह कंप्यूटर्स की, वो होगी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो रिंग टॉपोलॉजी फिजिकली इन्हें दिखने पर तो स्टार टॉपोलॉजी है, लेकिन बट दिस डिवाइस परफॉर्म वर्क लॉजिकली इन रिंग फॉर्म, लेकिन लॉजिकली जो अंदर जो काम परफॉर्म जो हो रहा है वो लॉजिकली इन रिंग फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा है एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमें बारी जो प्रोवाइड कर रहा है ये क्लॉक वाइज में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पहले इस लैपटॉप की बारी आएगी, फिर इस सिस्टम की बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है, इसकी तो बारी नहीं लगेगी प्रिंटर की, फिर इसकी बारी आएगी, क्यों प्रिंटर से हमें तो काम लेना है, ये चीज शेयर नहीं कर सकता, इससे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो फिर इस सिस्टम की बारी आएगी, 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 ये आपका सर्वर लगा हुआ है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर, लेकिन उस सूरत में डाउनलोड करेंगे जब आपकी बारी होगी, जब आपका टाइम होगा कम्युनिकेशन का। अगर आपके पास रिंग नहीं है आपके पास मौजूद, उसके जब तक कि आप अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क में रहकर नहीं कर सकते, जब आप रिंग टॉपोलॉजी में, ठीक है, रिंग टॉपोलॉजी आपके पास देखें फ्लो ऑफ मैसेज जो हो रहा है, देखें किस तरह हो रहा है, ये देखें क्लॉक वाइज हो रहा है, हमारी घड़ी इस तरह चलती है ना, तो क्लॉक वाइज,
तो ये क्लॉक वाइज हमारा क्या चल रहा है, रिंग चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। बारियाँ प्रोवाइड होती रहेंगी, रिंग मिलते रहेंगे, टोकन प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। और लेकिन ये रिंग टॉपोलॉजी देखने में तो स्टार टॉपोलॉजी की तरह है, आगे आप स्टार टॉपोलॉजी देखेंगे वो भी इस तरह लगेगी, लेकिन वहाँ पर एक वक्त में तमाम डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रिंग टॉपोलॉजी में ऐसा नहीं है, स्टार टॉपोलॉजी है कि वह एक वक्त में तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन रिंग टॉपोलॉजी में एक वक्त में एक कंप्यूटर जिससे चाहेगा वो बात करेगा, ठीक है, एक कंप्यूटर से। तो ये हमारे पास रिंग टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी के फॉर्म में इसको रिपीट कर देता हूँ। दिस टॉपोलॉजी है सिंपल डिज़ाइन, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। ऑल डिवाइसेस विद तमाम तक डिवाइसेस जो हैं, नोड्स जो हैं, पीसीज जो हैं आपके, किससे कनेक्ट होते हैं, सिंगल वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जो सेंट्रलाइज डिवाइस होती है उसका नाम क्या होता है, MSAU डिवाइस, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो होती है, हमारी डेटा ट्रैवलिंग होती है, वो इन रिंग फॉर्म में होती है। कैसे रिंग फॉर्म में होती है, क्योंकि वो रिंग टोकन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगली लाइन में ये देखिए लिखा हुआ है, दिस डिवाइस प्रोवाइड्स टोकन टू द कनेक्टेड फॉर द कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क। तमाम तक कनेक्टेड डिवाइसेस को ये क्या करता है, ये रिंग प्रोवाइड टोकन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, फॉर द कम्युनिकेशन के लिए। रिंग टॉपोलॉजी फिजिकली इन स्टार टॉपोलॉजी, ये फिजिकली तौर पर तो स्टार टॉपोलॉजी में दिखती है, लेकिन लॉजिकली जो काम जो हो रहा होता है ये हमारा रिंग फॉर्म में हो रहा होता है, क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको, रिंग टॉपोलॉजी और बस टॉपोलॉजी। नेक्स्ट टॉपोलॉजी हमारा मैश टॉपोलॉजी है। मैश टॉपोलॉजी इज अनदर टाइप ऑफ टॉपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन अ डेफी चैन फैशन। ये डेफी चैन में कनेक्ट होती हैं तमाम तो डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस तमाम तो डिवाइसेज कनेक्ट है। और मिसाल के तौर पर छः डिवाइसेज में बस लगी हुई हैं, यहाँ पर मेरे पास पाँच डिवाइसेज लगी हुई हैं, तो हर पाँचवीं डिवाइस हर चौथी चार डिवाइसेज कनेक्ट होगी। मिसाल के तौर पर ये अगर ये डिवाइस है ये वाली, अब ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, देखें इससे भी कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू इससे भी कनेक्ट है, इस वायर के थ्रू इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से वायर ब्रेक होती है, ठीक है ना, तो ये इसकी वजह से पूरा आपका नेटवर्क जो है डाउन नहीं होता, क्लियर है ना। अगर मिसाल के तौर पर ये अगर वायर ये यहाँ से आपकी क्रैक हो जाए, ठीक है, ख़राब हो जाए, तो आप इससे बात कर लेंगे, इसके थ्रू आप इससे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको प्रोवाइड कर देंगे, इसको प्रोवाइड कर देगा आपकी इन्फॉर्मेशन, तो हाई रिडंडेंसी हमें मिल जाए, हाई रिडंडेंसी हमें यहाँ मिल जाती है। तो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइसेस, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइसेस इन द टॉपोलॉजी, देयरफॉर ईच नोड इज कैपेबल टू ट्रांसमिट रिसीव एंड राउटिंग डेटा विद हाई लेवल रिडंडेंसी। हाई लेवल रिडंडेंसी का मतलब ये है कि अगर कोई एक कनेक्शन हमारा लॉस हो जाए तो दूसरे कनेक्शन से हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे अगर मेरी कम्युनिकेशन इस सिस्टम के दरमियान मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर लूँगा मैं, ठीक है ना, मैं इसके थ्रू जाऊँगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा और फिर इसको प्रोवाइड कर देगा कम्युनिकेशन। तो मैंने कि रिडंडेंसी यहाँ प्रोवाइड हाई रिडंडेंसी होती है, ठीक है ना, पूरे इसके से पूरा होल नेटवर्क गोज डाउन नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉपुलर है वैन में, ठीक है ना, ये ज़्यादातर वैन में यूज़ होती है जब हाई बहुत बड़े बड़े नेटवर्क चल रहे होते हैं, तो छोटे छोटे नेटवर्क में हम जैसे यूज़ नहीं करते हैं, मतलब छोटे नेटवर्क बस टॉपोलॉजी और स्टार टॉपोलॉजी ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, यहाँ पर करना बड़े नेटवर्क्स पर काम करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मैश टॉपोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रिडंडेंसी चाहिए होती है, हमें कनेक्शन किसी भी एक सेकेंड के लिए हमें कनेक्शन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी मैश टॉपोलॉजी। मैश टॉपोलॉजी एक टाइप है टॉपोलॉजी की, इसमें तमाम तरह डिवाइसेस आपस कनेक्ट होती हैं आपस में। अगर मिसाल के तौर पर छः डिवाइसेस हैं, छः जो है एक जो डिवाइस है पांच से कनेक्ट होगी, फिर दूसरी डिवाइस है वो दूसरे पांच से कनेक्ट होगी, ठीक है। इस तरह एक चैन फॉर्म में बन जाती है, और हर डिवाइस अदर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, ताकि हर ये ताकि रिसीव भी कर सकती है, ट्रांसमिट भी करती है डेटा को, रिसीव भी करती है, एंड राउटिंग में अपने खुद राउटिंग कर रहे होते हैं डेटा को, इसमें कोई बीच में कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर रिंग टॉपोलॉजी में आपके पास MSAU डिवाइस लगी हुई थी, तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है, ये खुद राउटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर इन इस टॉपोलॉजी में, खुद ये राउटिंग परफॉर्म हो रही होती है, और इट इज़ पॉपुलर है किसमें, वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा मैश टॉपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे स्टार टॉपोलॉजी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टॉपोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है। एक और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई वहाँ पर ज़्यादा स्टार टॉपोलॉजी यूज़ होती है। इस टॉपोलॉजी में तमाम जो डिवाइस एक कनेक्ट होती हैं विद सेंट्रलाइज डिवाइस, अब वो हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है,
अब आपको हब नहीं पता क्या होता है और स्विच नहीं पता, ये हम आगे लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे हब क्या होता है। पर आप ये याद रखें स्टार टॉपोलॉजी कनेक्ट जो डिवाइस से कनेक्ट होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस है, वो सेंट्रल डिवाइस आपके हब हो सकती है या स्विच हो सकता है। तो आपके पास ये कंप्यूटर जो है किससे कनेक्ट होंगे, इस सिंगल वायर के थ्रू आपकी सेंट्रलाइज डिवाइस या वो हब है या वो आपके पास स्विच है उसके थ्रू कनेक्ट होंगे। इट इज़ वाइडली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर यहाँ से ये कनेक्शन लॉस हो जाता है तो आपको इस पूरे नेटवर्क पर इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई आपके नेटवर्क को नुकसान नहीं होगा अगर ये सिस्टम आपका इसकी वायर अगर आपके पास ख़राब हो जाती है, ठीक है, या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपके इस सिस्टम को ही फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज आपके पूरा होल नेटवर्क पर इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये सिस्टम आपका गोस डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी ये चार सिस्टम ही आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हेयर एडिशन ऑफ न्यू डिवाइस इन टॉपोलॉजी इज़ वेरी इजी। लेकिन अगर बस टॉपोलॉजी में आप न्यू डिवाइस ऐड करेंगे ना, बस टॉपोलॉजी में आप अगर यहाँ पे न्यू डिवाइस ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको अपनी कनेक्टिविटी रोकनी पड़ेगी, अपना नेटवर्क वहाँ पर रुकना, आपका नेटवर्क वहाँ रुकेगा, ठीक है, जब तक कि आप नई डिवाइस ऐड नहीं कर देते यहाँ पर। अगर आप मिसाल के तौर पर एक चौथा यहाँ पर ऊपर यहाँ तीन सिस्टम लगे, आपको चौथा सिस्टम और एक और लगाना है, चौथा सिस्टम लगाना है, तो आपको पहले ये नेटवर्क रोकना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके जब तक वो आप डिवाइस नहीं लगी, जब तक कि नेटवर्क आपका ये स्टार्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, जब तक अदर डिवाइस दूसरी डिवाइस ऐड नहीं हो जाती इसमें, ठीक है। तो लेकिन स्टार टॉपोलॉजी में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो स्विच है ना, स्विच में आप अपने आके पोर्ट लगा देनी है, ठीक है। आपने स्विच में क्या लगा देनी है, जिसकी वायर है दूसरा सिस्टम लगाएंगे आप, यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम रखेंगे आप, यहाँ पे आपने दूसरा सिस्टम रखा और उसकी जो उससे वायर कनेक्ट करी और उसके स्विच के पीछे एक पोर्ट होती है वहाँ पर आपने पोर्ट लगा दी, तो इसके थ्रू आप क्या कर देंगे, एक नया सिस्टम ऐड हो जाएगा आपको दूसरा सिस्टम जब, और ड्यूरिंग द आपको एडिशन आपका सिस्टम जो है डस नॉट गोज डाउन नहीं आएगा, नहीं आपको नीचे नेटवर्क बैठेगा नहीं, आपको नेटवर्क रुकेगा नहीं, आपकी कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर्स के दरमियान आपकी कम्युनिकेशन आपकी रिसोर्स की शेयरिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, आप इन दिस ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस और हब और स्विच थ्रू आर सिंगल केबल, एक सिंगल केबल से सिंगल केबल के थ्रू आपके पास ये कनेक्ट होते हैं तमाम तक सिस्टम आपके, और ये वाइडली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर केबल फेलियर इफेक्ट ऑन सिंगल यूजर और ईजी टू ट्रबल शूट, अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये वाला सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा तो जाहिर बात है पहले मैं इसकी वायर चेक करूँगा, तो ईजी टू ट्रबल शूट यानी कि मैं उस मसले का हल आसानी से ढूंढ सकता हूँ। मैच टॉपोलॉजी में तो हर वायर चेक करने वाले कि भाई किससे काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन स्टार टॉपोलॉजी में इजी टू ट्रबल शूट है, ठीक है, तो आसानी से हम इसको मसले का हल निकाल सकते हैं। इसका केबल फेलियर इफेक्ट करता है सिर्फ सिंगल यूजर को, अगर ये केबल ख़राब हो रही है, इसकी ये केबल अगर ख़राब हो रही है तो इसी को इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम को, इन सिस्टम को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हेयर एडिशन ऑफ न्यू डिवाइस इन टॉपोलॉजी इज़ वेरी ईजी। मैंने आपको बताया ना कि बस टॉपोलॉजी अगर आप न्यू डिवाइस को अगर ऐड कर रहे हैं आप, अगर चौथा कंप्यूटर आप वहाँ लगा रहे थे तो वहाँ पर आपको नेटवर्क रोकना पड़ रहा था, आपका नेटवर्क रुकेगा फिर काम फिर आपकी न्यू डिवाइस ऐड होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने सिस्टम में से वायर लगाया, सिस्टम में वायर लगाया और उसके बाद फिर उसके पीछे जो पोर्ट गिवन होगी उस पोर्ट पर आप वायर लगा देंगे, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा वहाँ पर ऐड हो जाएगी, आपकी डिवाइस वहाँ पर ऐड हो जाएगी और आपका सिस्टम गोस डाउन भी नहीं होगा ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ डिवाइस। और ये बहुत पॉपुलर है इन नेटवर्किंग, ये टॉपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नेटवर्किंग में। आई होप ये स्टार टॉपोलॉजी भी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट टॉपोलॉजी में बस ट्री टॉपोलॉजी है, ये कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड एंड बस एंड स्टार टॉपोलॉजी का। हाइब्रिड मतलब यानी दो चीज़ें, ठीक है ना। ट्री टॉपोलॉजी एसेंशियली हाइब्रिड मीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता था, एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता था, तो हाइब्रिड बोलते हैं कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टॉपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी है द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे एक ट्री होता है उसकी शाखाएं होती हैं ना, उसकी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह ट्री टॉपोलॉजी को भी इसी तरह कहा जाता है कि एक टनल वायर होती है, टनल वायर या अकबर टनल वायर नजर आ रही है, दिखाई जैसे बस टॉपोलॉजी में टनल वायर होती है, ये टनल वायर आपको ये एक आपको टनल वायर नजर आ रही है, ये एक टनल वायर है, ये बैकबोन जिसे हम कहते हैं, और इससे तमाम तरह ये स्टार टॉपोलॉजी कनेक्ट हुई हुई है। तो स्टार टॉपोलॉजी में पास क्या होता था कि इस
सेंट्रल डिवाइस से तमाम डिवाइसेस क्या है कनेक्ट है, तो ये सेंट्रल डिवाइस आ गई एक, तो ये एक सेंट्रल डिवाइस आ गई, ये एक सेंट्रल डिवाइस आ गई, ये सेंट्रल डिवाइस से ये तीन डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इस सेंट्रल डिवाइस से तीन डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इस सेंट्रल डिवाइस से तीन डिवाइसेस कनेक्ट हैं, और ये बैकबोन से एक डायरेक्टली टी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, ये बैकबोन केबल है। तो बस टॉपोलॉजी बैकबोन की इस्तेमाल किस में होती है, बस टॉपोलॉजी में इस्तेमाल होती है। और आपके पास स्टार टॉपोलॉजी में आपके पास सेंट्रल डिवाइस होती है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो हमारे पास जो बनती है, जो टॉपोलॉजी क्रिएट होती है वो होती है ट्री टॉपोलॉजी, उसे हम बोलते हैं ट्री टॉपोलॉजी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। दिस मल्टीपल पैटर्न आर कनेक्टेड टू बैकबोन केबल कॉल्ड बस टॉपोलॉजी, ठीक है। दिस मल्टीपल, ये तो मल्टीपल पैटर्न जो है ना, ये हम स्टार टॉपोलॉजी हम कह रहे हैं जिसे, ठीक है, आर कनेक्टेड टू द बैकबोन, ये बैकबोन से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए ये स्विच से जो वायर आ रही है ये इससे कनेक्ट हो गया, इस स्विच से ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्टिविटी जो हो रही है बैकबोन से हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं दिस मल्टीपल पैटर्न आर कनेक्टेड टू द बैकबोन या टनल वायर, ठीक है, कॉल्ड बस टॉपोलॉजी, जो बस टॉपोलॉजी कहलाती है, जैसे हम टनल वायर को हम जो कहते हैं बस टॉपोलॉजी, जिसमें एक वायर के साथ विद द हेल्प ऑफ टी कनेक्टर तमाम डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ आई होप ये आपको समझ में आएगा ट्री टॉपोलॉजी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप, अगर होगा नहीं इसमें, आप उसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, लेक्चर को देखते रहिएगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इस दोबारा कि नहीं आपने नेटवर्क टॉपोलॉजी पढ़ा, कि नेटवर्क टॉपोलॉजी है क्या, टॉपोसमी का मतलब क्या है, प्लेस है, नेटवर्क टॉपोलॉजी का मतलब क्या है, टॉपोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, कि टॉपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क को हमने किस तरह अरेंज करना है, उसको प्ले, उसको किस तरह से हमने रखना है, यानी कोई कंप्यूटर्स हैं उनको हमने किस तरह से लगाना है, रिंग फॉर्म में लगाना है, बस फॉर्म में लगाना है, बस टॉपोलॉजी के फॉर्म में लगाना है, या स्टार टॉपोलॉजी के फॉर्म में लगाना है, तो और या मैश के फॉर्म में लगाना है। तो हमने सबसे पहले बस टॉपोलॉजी पढ़ी, बस टॉपोलॉजी क्या होती है, बस टॉपोलॉजी में एक टनल वायर होता है जिससे जिसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ टी कनेक्टर तमाम डिवाइसेस, तमाम नोड्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसकी स्पीड 1 to 50 Mbps होती है, और अब जो नए वायर्स आ रहे हैं जो लैन केबल अब जो नहीं है उसकी जो स्पीड है उसकी 1 to 100 Mbps है, मेगा बिट पर सेकेंड। अगर यहाँ पर कोई टनल वायर में कोई, आपको मैंने बताया कि कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई फॉल्ट क्रिएट होता था वहाँ पर, उसकी वजह से आपका तमाम तर नेटवर्क क्या है, गोस डाउन हो जाएगा। अगर आपको नई डिवाइस यहाँ पर कोई ऐड करनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आप जब तक कि वो डिवाइस ऐड नहीं कर लेते उस तक, जब तक कि आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इन तमाम डिवाइसेस के दरमियान, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक कि अदर डिवाइस, न्यू डिवाइस जो आप जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद रिंग टॉपोलॉजी हमने पढ़ी, रिंग टॉपोलॉजी एक सिंपल डिजाइन एंड ऑल डिवाइसेस विद सिंगल वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं, जो सिंगल सेंट्रलाइज डिवाइस होती है वो कौन सी डिवाइस होती है, MSAU डिवाइस, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जिसके जो हमें रिंग प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन ट्रैवल, डेटा ट्रैवल होता है। कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होती है, क्लॉक वाइज फॉर्म में होती है, आपको नज़र आ रहे हैं एरो कि क्लॉक वाइज चल रहा है, तो पहले इसकी बारी आई, फिर इसकी बारी लगेगी, फिर इसकी बारी लगेगी, फिर इसकी बारी लगेगी, जब इसकी बारी होगी तो ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जब इसकी बारी होगी तो ये तीन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जब इसकी बारी होगी तो ये तीन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जब जिसकी बारी होगी, जब उसी वक्त वो कम्युनिकेशन जिससे समझ चाहेगा उस वक्त वो उससे कम्युनिकेट करेगा, यानी कि उससे अपनी फाइल्स को शेयर करेगा या अपने रिसोर्सेज को शेयर करेगा, ठीक है। दिस डिवाइस, मैंने बताया कि टोकन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बारियाँ लग सके। ये फिजिकली तौर पर तो आपको स्टार्ट टॉपोलॉजी में दिख रही है, लेकिन जो लॉजिकली जो वर्क जो चल रहा है आपको मैंने बताया नहीं, देखिए क्लॉक वाइज काम हो रहा है, यानी कि टोकन जो जो बारियां लग रही है वो क्लॉक वाइज चल रहा है, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली जो वर्क जो हो रहा है वो रिंग फॉर्म में हो रहा है। फिर हमने मैश टॉपोलॉजी देखी, मैश टॉपोलॉजी एक दूसरी टाइप है, एक और टाइप है टॉपोलॉजी की, जिसमें तमाम डिवाइस डेसी चैन फैशन में कनेक्ट होती हैं, क्योंकि हर डिवाइस से कनेक्ट किससे होती है, ऑल अदर डिवाइस इन द टॉपोलॉजी देयर एक दूसरे से, यानी कि मिसाल के तौर पर 20 कंप्यूटर लैब में लगे हुए, तो 20 एक कंप्यूटर दूसरे बाकी 19 कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट हो, उसमें कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे स्टार टॉपोलॉजी और रिंग टॉपोलॉजी में सेंट्रलाइज डिवाइस होती है ना, रिंग टॉपोलॉजी हमारे पास MSAU होती है और स्टार टॉपोलॉजी हमारे पास स्विच या हब होता है, लेकिन यहाँ पर MSAU टॉपोलॉजी में कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है हमारे पास। तो हमारे जो कनेक्टिविटी है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको 20 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर 19 से कनेक्ट होगा अलग-अलग वायर के थ्रू, ठीक है। बाकी जो इसी तरह तमाम कंप्यूटर अपने 1919 कंप्यूटर से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। या आपके पास 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे 5 से कनेक्ट होगा, फिर दूसरा दूसरे 5 से कनेक्ट होगा, फिर तीसरा दूसरे 5 तमाम जो बचे हुए हैं उससे,
पार्ट से कनेक्ट हुआ। इसी तरह कम्युनिकेशन हमारे पास जो टॉपोलॉजी जनरेट होती है वो हमारे पास होती है मैश टॉपोलॉजी। और ये ज़्यादातर ये हम ज़्यादातर यूज लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ भी नहीं होती है, ये ज़्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। आगे अगला लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह वो आपका नेटवर्क के स्ट्रक्चर पर होगा, यानी कि लैन वैन मैन इस पर होगा। तो आपको वहाँ पर लैन मैन और मैन लैन वैन मैन ये आपको समझ में आ जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर नहीं है इतनी ये टॉपोलॉजी, ये ज़्यादातर वैन में पॉपुलर है वाइड एरिया नेटवर्क, जितने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स आपके पास कनेक्ट होते हैं आपके पास जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी आपके पास तमाम डिवाइसेज क्या होती हैं, सेंट्रलाइज डिवाइस क्या हैं, कनेक्ट हैं, यानी कि आपके पास स्विच हो गया, हब हो गया, और सिंगल वायर के थ्रू ये कनेक्टिविटी होती है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट भी होती है। अगर कोई केबल फेलियर होता है या केबल में कोई फॉल्ट आता है तो उससे तमाम एक अगर इस केबल में अगर फॉल्ट आ रहा है या इस केबल में अगर फॉल्ट आ रहा है तो यही सिस्टम इसका मुतासर होगा, यही सिस्टम नेटवर्क से आउट हो जाएगा, यानी बात कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं रह पाएगा। और और जब ये कम्युनिकेशन नहीं पाएगी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वायर चेक करेंगे, ठीक है ना, या वायर चेक करते हैं। इससे हमारे क्या होता है कि हमें ट्रबल शूट करने में आसानी होती है, एंड ईजी टू ट्रबल शूट लिखा हुआ है आपके पास, ये देखें, एंड ईजी टू ट्रबल शूट। केबल फेलियर इफेक्ट ऑनली सिंगल यूज़र, आपको सिंगल यूज़र इससे इफेक्ट होगा, तमाम नेटवर्क इसका क्या होगा, गोस डाउन नहीं होगा। अगर आपको नई डिवाइस अगर आप चाह रहे हैं, यहाँ छः पाँच कंप्यूटर लगे हैं, आप एक और कंप्यूटर लगाना चाह रहे हैं, तो आप ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द आपका नेटवर्क ऑन है आप उसी दौरान आप अपनी एक नई डिवाइस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन बस टॉपोलॉजी में ऐसा नहीं था, बस टॉपोलॉजी में अगर कोई नई डिवाइस आप ऐड करते तो आपको जब तक कि आप वो डिवाइस लग नहीं जाती है उसमें ऐड नहीं हो जाती उस टॉपोलॉजी में, जब तक कि आपका नेटवर्क जो है वो बहुत डाउन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टार टॉपोलॉजी में ऐसा नहीं है, आप ड्यूरिंग दी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दी नेटवर्क जो आपका नेटवर्क चल रहा है आपको जब ऑन है उसी दौरान अपनी आप न्यू डिवाइस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत पॉपुलर टॉपोलॉजी है नेटवर्क में, लैंड में ज़्यादातर बस टॉपोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद हमने ट्री टॉपोलॉजी पढ़ी। ट्री टॉपोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है बस एंड स्टार टॉपोलॉजी का, हाइब्रिड की मीनिंग हमने आपको बता दी, कॉम्बिनेशन ही है, या अब ये बस एंड स्टार टॉपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। तो ट्री टॉपोलॉजी है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इस तरह ट्री टॉपोलॉजी के शाखें जो होती हैं वो स्टार टॉपोलॉजी की लाती हैं, ठीक है ना। अब ये हर टॉपोलॉजी ये मल्टीपल स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, जो उसकी ब्रांचेस हैं वो मल्टीपल स्टेशन भी कहते हैं। और हर ब्रांच आपके पास क्या है, कनेक्ट हो रही है किससे, आपकी टनल वायर से। तो टनल वायर जो किस में होती है, बस टॉपोलॉजी होती है। तो बस टॉपोलॉजी और जो आपके पास स्टेशन जो है वो क्या है, स्टार टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी और स्टार टॉपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री टॉपोलॉजी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्विच कनेक्ट है, स्विच या हब होगा, स्विच से हमारे पास ये स्विच जो है इस स्विच से कनेक्ट हो गया, और ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, और ये स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया विद दी हेल्प ऑफ टी कनेक्टर, विद दी हेल्प ऑफ टी कनेक्टर कनेक्ट होंगे। ये टनल वायर से जब जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है विद दी हेल्प ऑफ टी कनेक्टर कनेक्ट होती है। ट्री टॉपोलॉजी भी ज़्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, लोकल एरिया में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाते हैं ज़्यादा, अगर एक लैब है अगर आपको तीन चार लैब्स को आपस में कनेक्ट करना है तो एक आप टनल वायर बिछाएंगे, उन तमाम जो आपकी एक लैब में नेटवर्किंग हुई भी है उसको जब उसकी वहाँ से एक कनेक्शन लेंगे टनल वायर में, फिर उसको जैसे मिसाल के तौर पर ये एक लैब है जिसमें दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, और ये एक लैब है उसमें दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये दो कंप्यूटर स्विच से कनेक्ट होंगे एक लैब में, एक दूसरी लैब में ये से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब दो लैब को आपस में आपने जोड़ दिया, ठीक है, और आप उसको आपने एक टनल वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर आपको तीसरी लैब भी जोड़नी है, तो आपने वहाँ पर भी स्विच लगा हुआ होगा, उस स्विच के थ्रू आपने क्या करा होगा, वो स्विच आपने इससे कनेक्ट कर दिया। अब इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले वो कम्युनिकेशन से एक ही लैब के बंदे बैठे हुए एक ही लैब में कम्युनिकेशन हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, तो तीनों के तीनों लैब में मौजूद कंप्यूटर्स जो आपके क्लाइंट होंगे या आपके कंप्यूटर यूज़र्स होंगे तमाम तीनों लैब में मौजूद लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्वर भी लगा हुआ है, तो मैं कहा था लोकल सर्वर जो आपको, मैं आपको एग्जांपल दी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लोकल सर्वर लगाते हैं जहाँ फाइल्स आपकी सेव होती हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर वही लोकल सर्वर आपका लगा हुआ है, ठीक है, फाइल सर्वर जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर आपकी ये तमाम तरह की, मिसाल के तौर पर एक लैब वन है, ये लैब टू है और ये लैब थ्री है, तो ये तमाम तरह लोग लैब वन के, लैब टू के, लैब थ्री के अपने 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 फाइल्स को कहाँ शेयर कर सकते हैं इजिली, जो इससे टनल वायर से क्या कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट जो है फाइल सर्वर, ठीक है ना। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ट्री टॉपोलॉजी से तमाम तर जो आपकी स्टार टॉपोलॉजी उसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।